किन्नौर में, और आप लोगों को बता दूं कि किन्नौर में सबसे ज्यादा ग्राउंड वर्क हुआ है और वहां अधिकारियों की जो मंशा है वो ठीक नहीं थी, इस वजह से एक भी केस वहां पे अभी तक सेंक्शन नहीं हुआ है। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किन्नौर में अभी तक एक भी जो है क्लेमेंट को जो है वो क्लेम नहीं मिला। हमारे उसमें 30/8/2016 को सम्माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर पास हुआ है, उसमें ये कहा है किन्नौर के संदर्भ में कि अगर आपके प्रोसेस चल रहा है तो इसको एक्सपेडाइट कीजिए। तो सम्माननीय हाईकोर्ट ने भी इस एक्ट को लेके जो है एक ग्रीन सिग्नल सरकार को दिया था, उसके बावजूद भी 16 में जो ये ऑर्डर आया उसके बावजूद भी इनके जो मतलब लचर रवैये के हिसाब के चलते हुए ये हमारे को इस एक्ट का फायदा नहीं मिल पाया। इसी के साथ इसमें इसी एक्ट में सेक्शन 4(5) में बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि अगर आपका फाइल पेंडिंग है, आपने फाइल बनाई हुई, आपकी चाहे विलेज लेवल पे है चाहे सब डिविजन लेवल पे है, किसी भी लेवल पे आपकी फाइल पेंडिंग है तो उसमें इविक्शन नहीं होगा। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की एक उड़ीसा माइनिंग की जो केस है उसमें एक रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने उसमें इस सेक्शन 4(5) को रिकॉग्नाइज किया है कि जब तक आपका प्रोसेस चल रहा है आप पे इविक्शन नहीं होगा। तो इस तरह की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की भी है। और जहां तक ये सब चीजें होने के बावजूद हमारे फाइल्स जो है विभिन्न लेवल पे जो है पेंडिंग होने के बावजूद भी डीएफओ किन्नौर ने बहुत सारे जो केसेस थे उसमें इविक्शन के ऑर्डर कर दिए। इसको भी लेके जब हमको हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट में उसमें भी हमें रिलीफ मिला है हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि डीएफओ साहब को कि आप जो है इनको प्रॉपर हियरिंग का मौका दीजिए, इनका दोबारा से आप सुनवाई कीजिए। ये अभी ये जो केस अभी तक भी पेंडिंग है, मतलब ये वो साहब ने वो जवाब लिया है लोगों से, तो कोर्ट नहीं कह रही है कि आपको नहीं मिलेगा जब, और सरकार के पास पूरा ग्रीन सिग्नल है, तो ये नहीं होने का हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्यों नहीं रहा है जबकि हमारे इतने सारे केसेस वहां पे किन्नौर में पेंडिंग है। इसमें हमने पाया कि जो उसमें से 36% जो क्लेमेंट थे उनके 5 बीघा से कम के क्लेम थे, 31 के 5 से 10 बीघा से उनके पास कम जमीन थी, मतलब जिसके पास 5 बीघा से कम जमीन थी उन क्लेमेंट में उनका हिस्सा 36% था, करीब 1/3 से ज्यादा था, और 5 से 10 बीघा जिनके पास जमीन थी वो 31% थे, जिनके पास 20 बीघा से ज्यादा थी वो इसमें केवल 5% थे। और हमने पाया कि केवल 6% थे, और इसमें जो मैक्सिमम जो ज्यादा जो क्लेमेंट था इसमें जो 5 बीघा से जो कम के जो जमीन जिन्होंने मांगी थी उन लोगों ने इस कानून के अंदर ज्यादा भूमि मांगी, तो इससे यह साबित होता है कि इन लोगों के पास जितनी जमीन थी, जैसे किसी परिवार के पास 3 बीघा ही जमीन थी क्योंकि 5 बीघा से कम है, तो उसने अपनी आजीविका चलाने के लिए 3 बीघा आज के दिन उसका जंगल में भी कब्जा चल रहा है। अब आप बताइए कि अगर किसी के पास 5 बीघा जमीन है या उससे कम जमीन है तो वो परिवार कैसे, अगर उसका एक पूरा परिवार है तो कैसे वहां पर एक किन्नौर जैसे क्षेत्र में जी सकता है। उसको अगर उसने उसके बाद अगर 2 या 3 बीघा और की हुई है तो उससे तभी तो उसका परिवार चल पा रहा है। आज अगर हम ऐसे लोगों को हटा दें तो जिसमें 36% लोग जो मैक्सिमम इम्पैक्ट इससे होंगे, या अगर 2 को मिला रहे 10 बीघा से कम वालों को, तो ये तो करीब करीब आपके 67% लोग हैं, मतलब 2/3 लोग एकदम बिल्कुल उनकी आजीविका एक तरीके से खत्म हो जाएगी अगर ये कानून के तहत उनको पट्टा नहीं मिला। तो ये हमें एक सोचने की बात है। और तीसरी बात, कई जगह हमें ये समझ में आया, सुनाई दिया कि भाई इसमें जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं इनको फायदा नहीं होगा, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है इनको फायदा नहीं होगा। तो हमने जो अध्ययन किया किन्नौर में, तो क्योंकि वो 5th शेड्यूल एरिया सभी को एसटी माना जाता है, लेकिन उसके अंदर कई लोग होते हैं जिनको एसटी और एससी दोनों का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो इसमें जितने भी क्लेमेंट थे 417 में हमने उनका अध्ययन किया, तो जिसमें हमने पाया कि 285 एसटी ने भरा है, 132 एससी से आए हैं। अगर हम किन्नौर की पूरी जनसंख्या देखें तो उसमें जो एससी का जो परसेंटेज है वो केवल 17% है उनकी जनसंख्या में, जबकि क्लेमेंट्स में इनका जो प्रतिशत आया जो क्लेम भरने का करीब 27 से लेकर 28% के बीच आया है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो कानून है कहीं ना कहीं जो जिसे हम
मार्जिनलाइज सेक्शन कहते हैं उनको फायदा देने वाला है, ना कि बड़े बड़े लोगों को जो उनको दे रहा है। राज्य सरकार ये सोचे कि हमने ये स्टडी लाए हैं और ये किया है कि ये जो कानून है ये सही में है, जो छोटे किसान हैं, जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लोग हैं, ये इनके फायदे के लिए है। क्योंकि लैंड मिलने पर उसकी जो आजीविका है वो लैंड पर ही निर्भर है। ज्यादातर जनजाति क्षेत्रों में कृषक वर्ग के लोग रहते हैं, हमारा जो कुछ भी है खेती बाड़ी से, खेती किसानी हमारा मुख्य पेशा है। तो जो भी कब्जा तो नहीं कहूंगा, जो भी हम इस एक्ट के तहत जो राइट्स हम लेना चाहते थे उसका पूरा क्लेम वगैरह पूरा प्रॉपरली भरने के बावजूद सारे जो भी इसके वो थे फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के बावजूद ये हमें अभी तक मतलब प्रमुख रूप से सैंक्शन हो नहीं पाए। इसमें एक एग्जांपल गत वर्ष जिलाधीश देवा सिंह नेगी जी आए जिन्होंने इस काम को बहुत सीरियसली लिया और 87 केसेस को उन्होंने थ्रू भी किया, जो आप ये जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो गया। इसी एग्जाम्पल को कोट करते हुए स्पीति के केसेस भी लिए जा सके, आप किन्नौर के केसेस भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो सर्टिफाइड कॉपी कॉपिंग एजेंसी से हमने पूरा सर्टिफाइड कॉपी निकाल के सब जगह हमने इसकी कॉपी की है कि आपने समर्थन के साक्ष्य क्या क्या लगाने, उन साक्ष्यों की प्रतिलिपि भी हमने पूरा उनको भेजा है। जब हम राइट्स को देखने जाते हैं कि ये इनके सही है कि नहीं, इंस्पेक्शन में जब जाते हैं तो वहां पर पटवारी जी और गार्ड की जो ऑफिशियल जो होते हैं वो साइन करने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि हमें रूल के बारे में नहीं पता है। जब हम तहसीलदार जी से इसके बारे में जानकारी पाते हैं तो वो भी कहते हैं कि हमें नहीं पता है। अच्छा, उसकी कंप्लेंट लगे जब एसडीओ एसडीएम के पास जाते हैं जो एसडीएलसी के मेंबर है, कई जगह उनको भी प्रॉब्लम होती है कि हमें नहीं पता है। अच्छा, ट्राइबल एरिया में एक खामी और भी है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन की इतनी बुरी हालत है कि वो रूल्स मंगा भी नहीं सकते, या उनको टाइम लगता है कि हम फर्दर हम कॉन्टेक्ट करेंगे, दिल्ली भेजेंगे इसको, हम गाइडलाइंस लेकर आएंगे पढ़ेंगे, उसमें महीनों निकल जाते हैं कि वो एक्ट की कॉपी लेकर आए वो पढ़ें। इतना ओवरलोड है ट्राइबल एरिया में, एक वर्क फोर्स की कमी है कि वहाँ स्टाफ की इतनी कमी है, कई जगह जो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि कई जगह स्टाफ है कि वो पढ़ सके और रूल को इंटरप्रेट कर सके, क्योंकि एफआरए का जो लॉ है जो अगर आप पढ़ेंगे तो वो इतना इंटरप्रेट करना पड़ता है उसमें कई जगह कि उसमें वहीं रह जाता है कई जगह एडमिनिस्ट्रेशन जो है। तो इस पर कई जगह बारीकियों में कई जगह प्रॉब्लम्स है। मैं देखता हूँ कि पटवारी कई जगह पटवारियों ने क्या किया कि उनको लॉ समझ नहीं आया तो उन्होंने क्या लिख दिया, एक रजिस्टर में लिख दिया कि भी हमने वन अधिकार नियम के बारे में ग्राम सभा में चर्चा की और यहाँ लोग भी आए सच्चे अटेंडेंस ली और उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर कोई भी दावे पेश नहीं हुए, उन्होंने फाइल क्लोज कर दी। तो ऐसा नहीं है कि वन अधिकार कानून के बारे में वहां पर नहीं पता था कुछ लोगों को, लेकिन ऐसा था कि उनको पूरी तरह से इक्विप नहीं किया, ना कोई स्किल ट्रेनिंग दी गई, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन पे ट्रेनिंग नहीं दी, तो उन्होंने भी वर्कलोड नहीं लिया और उन्होंने दावे बंद करके और फाइलें वापस सारे ऑफिस में जमा कर दी और एक भी दावे पेश नहीं हुए। जब हम गए तो इतने दावे हैं, आज के टाइम में स्थिति में कहूंगा, एक तो एक ट्राइबल एरिया है तो लोगों को जानकारी नहीं होती है कानूनी एक्ट की रूल की नहीं होती, ये अभी भी समझना पड़ेगा कि ट्राइबल एरिया प्लेन्स की तरह नहीं है जहाँ पर अमेंडमेंट या लॉ निकाल दिया तो सारे लोगों को खबर हो जाती है, घर घर जाना पड़ता है, वहां समझाना पड़ता है उनको कि लॉ क्या बोलता है, क्या आप इसके अंदर दावेदार हैं कि नहीं है वो समझाना। तो ट्राइबल एरिया में दिक्कत ये बहुत सारी है कि वहां के अधिकारी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हैं, कहीं विलिंग नहीं है, कहीं कुछ करना है। मैं थोड़ा ये भी जानना चाहूंगा कि सेंटर और स्टेट के रिलेशंस क्या रहे हैं, जब सेंटर ने ही कह दिया कि ये आपका अधिकार है और वो एक्ट बनाया है क्योंकि एक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेट भी उसमें नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी स्टेट उसमें कहीं ना कहीं कभी पेशियां निकाल रहा है, तो क्या है? शायद हो सकता है सेंटर और स्टेट के रिलेशन नहीं बने, कि जब सेंटर मान गया तो स्टेट्स क्यों नहीं मानते। ये भी हो सकता है कि फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है आपका स्टेट के अधीन है, ये भी हो सकता है। तो इसमें क्या धारणा है कि वो हमें नहीं दे रहे हैं जब सेंटर मान चुका है, तो एक ये भी हमें समझना पड़ेगा कि सरकार हमारे अधिकार क्यों नहीं दे रही है। शायद वो सोचती है कि वो हमारे अधिकार ही नहीं है जो हम मांग रहे हैं, वो ये सोचते हैं क्योंकि जिस तरह से स्टेट का गठन हुआ और जिस तरह से ये डिपार्टमेंट बने, उनको लगता है कि इस भूमि की संरक्षण विभाग ही ढंग से कर सकता है, हम आदिवासी हम अपने भूमि पर ढंग से शायद कंजर्वेशन नहीं कर सकते, शायद हमें आता भी नहीं है। देखो, जंगलों में जो हमारे पुराने जो हक हकूक के जो अधिकार लिखे हुए हैं उसमें हमारे को लीगल राइट्स मिलता है। जैसे हम लोग जंगलों से ये घास लेते हैं, पत्ती लेते हैं, जो चिलगोजा है, बहुत सारे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेते हैं, वो पहले जो है जो सेटलमेंट में जो सरकार कहती है कि हमारा तो यहाँ पे हिमाचल में सेटलमेंट हो चुका है, हमें वन अधिकार अधिनियम की जरूरत नहीं है। समय समय पर एक
इस तरह के बातें सरकार से आती रही, चाहे 2008 में हो चाहे 2012 में हो, इस तरह से आते रहा ये। परंतु जो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया है उसमें जो हमें जो एक कंसेशन था ये फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट के ऊपर जो है वो हमें लीगल राइट्स मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो एक आपको कोई चीज दिया है कंसेशन में, वो हमें जो है अब एक उस पर कानूनी हक मिल रहा है। तो इसमें सिर्फ वन अधिकार अधिनियम को ये जो है आप लोग इस पर्सपेक्टिव में ना देखें कि ये एक जो है नाजायज कब्जे से ही रिलेटेड है। इसमें जो कम्युनिटी राइट्स है वो एक बहुत बड़ा चीज है कि हमको जो कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा राइट्स मिल रहा है वनों पे। वर्तमान में समस्या क्या है जनजातीय क्षेत्रों की और आपकी डिमांड्स क्या है? वर्तमान में जैसे समस्या हमारी जो वन अधिकार अधिनियम के इम्प्लीमेंटेशन की है, जो ये लागू तो हो चुका है और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। ये इस वजह से नहीं हो रहा है कि इसमें जो एक्ट के हिसाब से जो है कोई काम नहीं कर रहा है, चाहे उसमें सब डिविजन लेवल पे कहें, चाहे नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक जो है, चाहे शिमला से लेके किन्नौर तक कोई भी अधिकारी है इसको ना ढंग से पढ़ रहा है, एक्ट के हिसाब से कोई काम नहीं कर रहा है। इसमें अपने तरफ से जो है बहुत सारे राइडर्स लगाए जा रहे हैं, जैसे आप लोगों को अभी हमने बताया था कि आप लोग तो फॉरेस्ट विलेज में नहीं रहते हैं, आप लोग रेवेन्यू विलेज में रहते हैं। ये कोई तर्क नहीं है, एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि जो रेवेन्यू विलेज में रहता है उसको इस एक्ट का ये मतलब फायदा नहीं मिलेगा। और जहां तक ये एक अभी आपको मैंने जैसे कहा था कि आप हमारे यहाँ तो सेटलमेंट हो गया है, हमें वन अधिकार अधिनियम की, जबकि उसके टाइम टू टाइम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल्कुल क्लियर कट इसमें जो है क्लेरिफिकेशन आए हैं। जब भी स्टेट गवर्नमेंट ने मांगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक्ट बिल्कुल क्लियर है कि इसमें हमारे को ये हक मिलता है, परंतु जो है इसमें बीच में जो है अपने आप से जो है ये लोग एक कुछ ना कुछ इसमें अड़ंगा लगाते रहते हैं। डिमांड क्या? डिमांड हमारी ये है कि जो सब डिविजन लेवल में, जो नीचे लेवल में, चाहे सब जगह जो है इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए और ये एक्ट के हिसाब से जो है लोगों को इनके अधिकार दे दिए जाए। और इस संदर्भ में जो है मैं आप लोगों को एक अभी हमने रिसेंटली जो है कल शाम को हमने जो है सीएम साहब से भी हम मिले हैं, सीएम साहब को हमने जो है एक मेमोरेंडम दिया है। सीएम साहब पीछे जो है दो नवम्बर को जो है किन्नौर में भी आए थे, तो किन्नौर में भी हमने उनको मेमोरेंडम दिया था, उसी का रिमाइंडर कल शाम को जो है उनके रेजिडेंस में जाके हमने उनको रिमाइंड कराया है कि आपको हमने वो मेमोरेंडम दिया था, इसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। इसी संदर्भ में अभी जो है हम लोग 2 बजे भी जो है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ये ट्राइबल डेवलपमेंट के, उनसे भी अभी उनको भी हमने एक मेमोरेंडम दिया है कि आप इस पे जो है, हमने उसमें सारी चीजें उनमें लिखी भी है, उसके एनेक्सर लगाए हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स लगाए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के समय समय पर जो क्लेरिफिकेशन आए हैं, हर चीज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि उनके पास ऑलरेडी है, फिर भी हम उनको दे रहे हैं कि एक्ट के हिसाब से इसमें सब हम लोगों को मिलना चाहिए।